हम देख रहे हैं सेवन सिस्टर्स वीडियो सीरीज़। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ डू चेक इन डिस्क्रिप्शन। आज हम देखेंगे नागालैंड का एडवेंचर। थैंक गॉड, बाल बच गए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग की 5 o'clock टाइम हो रहा है और हम निकल रहे हैं अभी डिब्रूगढ़ होके कोहिमा के लिए। 3 o'clock उठा था मैं। 3 o'clock उठ के पूरा गाड़ी वीडी सेटअप किया, पैकअप किया, नहा धो के रेडी हो गए। लेट्स गो नाउ। फिर जोरहाट से निकलने के बाद में बहुत ही सुंदर सनराइज़ हो रहा था। आगे आने के बाद में एक जंगल का रास्ता था। भैया ने यहाँ पे मस्त कंप्यूटर का सेटअप किया है, मैं दिखाता हूँ आपको। जो गांव के छोटे मोटे काम्स रहते हैं पूरा देखते हैं और बाकी फिर उनका काम चलते रहता है ऑनलाइन। सो आदित्य सर ने मस्त सेटअप किया है, एकदम जंगल के बीच में है आसपास। फिर भूख लगा था तो थोड़ा सा खीरा और ग्रेप्स वगैरह ले लिया। गांव कौन सा है ये? शोरियाजाम। शोरियाजाम आसाम में आता है ना? आसाम। फिर एक जगह पे रुक के यहाँ पे काकड़ी वगैरह कट करके खाया और फिर आगे का जर्नी कंटिन्यू किया। नागालैंड कितना दूर है अभी? नागालैंड यहाँ से 6 किलोमीटर। So finally we entered into the Nagaland. Thank you ji. ये इसके बाद में यहाँ पे नारियल पानी वगैरह पी के हम निकले आगे कोहिमा के लिए। So रात में काफ़ी लेट हुआ था सोने के लिए और सुबह भी जल्दी उठा, इसलिए बहुत नींद आ रहा था। तो फिर यहाँ पे आया मैं एक जगह पे, यहाँ पे आधा एक घंटा सोया और फिर यहाँ से जर्नी आगे कंटिन्यू किया। थर्मोप्लास्टिक पेंट होता है क्या? जो हीट करके मेल्ट करके इसमें आ जाता है करने के लिए। अच्छा, ये लाइटनिंग करने के लिए क्या? अच्छा, शीशा का छुरा होता है। रसीदुल्लक भाई साहब एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं। रात में गाड़ी चलाने में आसान हो जाता है ये वाइट पट्टे जब रोड पे देखते हैं तो। थैंक यू। फाइनली वी रीच्ड कोहिमा, द कैपिटल ऑफ नागालैंड। तो जब ऐसे कभी नए शहर में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अभी लंच कर रहा हूँ कोहिमा में। होटल का नाम है रिया राइस होटल और उसके बाद में हम जाएंगे कोहिमा वॉर सीमेट्री देखने के लिए। खाना बहुत ही अच्छा था बट लिटिल स्पाइसी था। ऑब्वियसली ये नागालैंड में खाना थोड़ा स्पाइसी रहता है। सीमेट्री वॉर सीमेट्री हाउ टू गो देयर? इट्स ऑन आई कैन जस्ट गो से दूध है काकी। और खाना जो है तो नागालैंड स्टाइल में बना है। सो फिर हम आए। हेलो गाइस, अभी हम आए हैं कोहिमा वॉर सीमेट्री देखने के लिए। एकदम टॉप पे है और काफ़ी मस्त लग रहा है यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज़ाद भारत में आज भी एक ऐसी जगह है जहाँ एक छोटे से निर्माण कार्य के लिए भी आपको ब्रिटिश सरकार की इजाज़त लेनी पड़ती है, तो आपका इसके ऊपर क्या जवाब होगा? जी हाँ, अभी जो हम देखने जा रहे हैं कोहिमा की इस खास जगह पर आज भी ब्रिटिश सरकार राज करती है। इस जगह को हम कोहिमा वॉर सीमेट्री के नाम से जानते हैं। दरअसल सन 1944 में वर्ल्ड वॉर II के दौरान जापान के आर्मी ने ब्रिटिश आर्मी पर हमला कर दिया था, जापान की इस सेना ने पहले बर्मा फिर मिजोरम होते हुए कोहिमा व इम्फाल पर अटैक किया, लेकिन उनकी ये चाल कामयाब नहीं हो पाई। इस दौरान सैनिक शहीद हो गए, इनमें 330 भारतीय सैनिक थे। तो इनके यादगार में वॉर सीमेट्री बनाया गया है। बताया जाता है कि भारत में ऐसी 330 जगह है जहां आज भी विदेशी हुकूमत चलती है। अगर आपको ऐसी कोई जगह पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ पे ऊपर आने के बाद में कुछ महाराष्ट्रियन पीपल भी मिले थे मुझे यहाँ पे फिर उनके साथ में बातें वगैरह किए। अब चलते हैं कोहिमा सिटी देखने के लिए, लेट्स गो। तो अभी हम जा रहे हैं एक पॉइंट पे जहाँ पे हम सिटी का ड्रोन शॉट लेंगे। सो फाइनली मैं कोहिमा के जो टॉप पॉइंट है वहाँ पे आ गया, और वहाँ से क्या नज़ारा दिख रहा था। शाम का टाइम था, सनसेट हो रहा था। कोहिमा गांव का नाम केव हीरा से है, जहां कोहिमा शहर अभी स्थित है। कोहिमा गांव, जिसे बाराबस्ती भी कहा जाता है, ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गांव है, जो कि आज कोहिमा शहर के क्षेत्र का उत्तर पूर्वी हिस्सा में स्थित है। कोहिमा सिटी एक्सप्लोर करने के बाद में मैं निकला नागालैंड की सबसे फेमस जगह ज़ुको वैली। जी हाँ, सो आज मैं रुकने वाला हूँ ज़ुको वैली में। समय बहुत ज़्यादा हो गया था, बट लेट्स सी हाउ इट हैपन। सो गाइस, छोटा सा डिस्क्लेमर, ये जो ज़ुको वैली का मेरा एडवेंचर है तो ये शायद किसी को पसंद ना आए। उस वक्त मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलो देखते हैं। अगर आपको एडवेंचर वगैरह इससे डर लगता है तो यू कैन स्किप द वीडियो। एक्सक्यूज मी, हाय डियर, आई नीड लिटिल हेल्प। देयर इज अ वन विलेज कॉल्ड विवेशवा विलेज, विश्वेमा विलेज। हाँ, दिस इज द विलेज। यस यस। एंड आई वांट टू गो दिस ज़ुको वैली। So how to go? Huh? Now, today, tonight. Tonight, yeah. They allow on, to camp on the top, right? You yeah. Can park there. Yeah, yeah. Hello. You going that way? Yes, sir. Okay, please. Okay, then you wait near the gate. We'll come. Okay, okay. Let's go. तो यहाँ पे जो है मैं आने के बाद में काफ़ी इंटरेस्टिंग एक छोटा सा कन्वर्सेशन जो है तो वो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ। मुझे पता नहीं था कि कैमरा चालू है, सो जस्ट लिसन इट। होटल बड़ा अच्छा लग रहा है। कहाँ से आप? महाराष्ट्र से। ये हुई ना बात, बम्बई वाला तो मेरा बम्बई तो मुंबई गए तो महाराष्ट्र। यस, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर कमिंग। Thank you so much. We appreciate you. Yeah. That we are going to visit Dzükou. Yes. Thank you. The best of Nagaland. Best of Nagaland and top of the Nagaland, right? हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, यही है। Ah, that is the best part, actually. Yeah. तो अच्छा से जाओ। Yes, yes. छोटा आदमी से कभी याद ना। नहीं, छोटा आदमी नहीं होता कोई। मुझे बहुत अच्छा लगा बात करना। तकलीफ तो होगा लेकिन ना बहुत अच्छे से घूमो फिर आ जाओ। खुशी कितना वो खुशी जर्नी इंग्लिश में इतना नहीं आता मेरा। हाँ हैप्पी जर्नी इज ओके। थैंक यू टेक केयर। यस काउंटर है ना? काउंटर में बैठ जाएंगे। नहीं मैं रात में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि सुबह सुबह है ना सनराइज जो रहता है ना तो ऐसे देखना है। तो आज तो जोधपुर नहीं पहुँचेंगे तो उसके मतलब बहुत टाइम लगेगा। हाँ बहुत 5 घंटा लगता है। हाँ तो हो जाएगा ना 12 बजे तक। हाँ 12 बजे तक पहुँच जाऊँगा। अभी 7 बजे तक खाना हो जाएगा ना? हाँ 7:30 बजे तक। 7:30 पौने 8 हो रहा है और अभी मैं निकल रहा हूँ ऊपर मतलब जुको वैली के लिए। बाबा है इन्होंने पूरा शॉप बंद हो गया था बट मेरे लिए फिर से आज खाना बनाया अलग से और अभी यहाँ से मस्त खाना खा के मैं जा रहा हूँ ऊपर। जो टेंट और इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके जा रहा हूँ सो अभी रात में देखते हैं ऊपर। ठीक है गुड नाइट नहीं चलो ऊपर जा रहे हैं। अभी जो है यहाँ पे वे टू जुको वैली। यहाँ पर रास्ता थोड़ा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट मतलब लिटरली ऐसे रास्ता है। देखो पूरा खतरनाक गाड़ी ऐसे कूद की जा रही है। डबल शीट जाना मुश्किल मतलब नामुमकिन है। ये देखो पीछे कैसा है रास्ता। मेरा फेस नहीं आ रहा होगा इसमें दांत दिख रहे हैं इसमें। सो लेट्स गो ऑफ। हेलो गाइज अभी जो है हम एक जगह पे आए हैं जुको वैली के। यहाँ पे जो है आगे उधर गाड़ी पार्क किया है। पूरा अंधेरा है एंड आई एम नॉट श्योर कि गाड़ी यहाँ पे पार्क करना है या ऊपर जाना है बट आगे का रास्ता जो है बहुत ही ख़राब है। तो अभी ठीक है यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिया है और अभी चलते हैं आगे। देखते हैं कितना और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे भी 2 रास्ते हैं पता नहीं करेक्ट कौन सा है बट कोई एक लेके अभी निकलते हैं। लेट्स गो। इस काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद में एक पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे लिखा है वे टू जुको वैली। ऐसा कोई नज़ारा है जैसे यहाँ पे जो है तो काफ़ी मैं थक गया था क्योंकि दिन भर का जर्नी रात में प्रॉपर सोया नहीं था और फिर से ही इतना लंबा ट्रैक थोड़ा चक्कर आने सर को हटता है। थकान लग रहा था तो इसलिए थोड़ा ग्लूकोन-डी वगैरह लिया यहाँ पे। मैंने ग्लूकोन-डी टाक लिया था। चलो लेट्स गो। सो गाइज एवरी जर्नी हैज़ एंड फाइनली वी आर टॉप ऑफ द जुको वैली। हियर इज द सम साइन हियर। द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर हार्डेस्ट क्लाइंब। यू आर नो एंटरिंग प्लास्टिक फ्री जोन। अभी ये बोर्ड तो हमने देख लिया बट इसके बाद में का जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं इस जगह पे आ गया और यहाँ पे साइड में एक टावर था तो यहाँ पे मैंने जो है मेरा ये टेंट सेटअप करने के लिए सोचा। फिर यहाँ पे मैंने टेंट सेटअप किया और गाइज़ रात में जो है ठंड काफ़ी था और हवा भी बहुत तेज़ था। ये काफ़ी बहुत ही यादगार मेमोरी था ये। सो गाइज़ अभी हम हैं जुको वैली के टॉप पे। एक टावर है वहाँ पे हमने टेंट लगाया है। काफ़ी टाइम लगा टेंट लगाने के लिए क्योंकि हवा बहुत तेज़ है इसीलिए बड़े बड़े पत्थर लगा के टेंट को होल्ड किया है पूरा। अभी थोड़ा बैग भी ऐसे रखा है सो दैट टेंट उड़ ना जाए। हवा देखो टेंट कैसे कर रहा है बट लेट इट भी। देखते हैं रात में इससे ज़्यादा हवा नहीं होना चाहिए। होगा तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं अंदर हूँ तो टेंट फट के जाएगा बाकी कुछ नहीं होगा। क्या बात है सर ये बात है। देखते हैं कल का व्यू मॉर्निंग में कैसे होगा जुको वैली। सो गुड नाइट। मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 5 o'clock टाइम हो रहा है। यहाँ पे 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और मैं ना कहाँ पे रुका हूँ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये एक टावर जैसी जगह है और यहाँ पे मैंने अपना टेंट डाला है। ये इतना इधर इस साइड में है क्योंकि हवा से ना पूरा ये इधर जा रहा था। ऐसे ऊपर चाँद दिख रहा है आपको। ये पूरा जुको वैली का व्यू है यहाँ से। और इस साइड में मॉर्निंग का जो सनराइज़ है उसका पूरा लेयर दिख रहा है। मैं थोड़ी देर में आपको इसका क्या टाइम लैप्स दिखाता हूँ। क्या थोड़ा अंदर जाते बहुत ठंड लग रहा है। आगे सनराइज़ बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पे। यहाँ पे जो है ये खासी समाज का देवता था, उसका एक ग्रेविंग था यहाँ पे ना। ड्रोन क्रैश हो गया है बहुत रिस्की पैच पे, उस पहाड़ पे। स्लिप हो सकता। खूब मोटी वैली है। इट वॉज माई फ्राजाइल एफर्ट्स, बट बाद में फिर थोड़ा सा डेयरिंग करके मैंने गाड़ी को साइड में फेंक दिया और फिर मैं वहाँ पे झुक के हाथ से वो ड्रोन निकाला। इट वॉज वेरी रिस्की बिकॉज आगे पूरा वैली था। माय गॉड, फक। Thank God, बाल बच गए। Shit, damn, shit is big. फिर मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। काफ़ी प्यारा व्यू लग रहा था यहाँ से। बाय द वे, अगर ये अप्रैल मई के समय में आते हैं तो ये पूरा फूलों से भरा हुआ मिलेगा आपको और बहुत ही सुंदर नज़ारा मिलेगा उस वक्त। ये कुछ फुटेज है अगर आप सही सीज़न में आते हो यहाँ पे। तो यहाँ से भी रास्ता आता है एक, बट कहाँ से आता है ये रास्ता देखते हैं एक बार। रास्ता नहीं है यहाँ पे, जस्ट देखने के लिए व्यू पॉइंट के लिए आते हो। लेट्स गो बैक। जो ग्रीन वैली दिखता है पूरा, तो वहाँ पे ना एक बाम्बू जैसे पेड़ है, इसकी वजह से वैली ना पूरा ऐसे ग्रीन दिखती है। इसका नाम क्या है पता नहीं मुझे, बट पूरे वैली में जो है ना यही सब चीज़ें हैं ऐसे। और सो फिर मैं आगे काफ़ी देर तक मैंने एक्सप्लोर किया, बट ये जो है तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे गुम हो गया था। एकदम वैली का जो पूरा डीपेस्ट थोड़ा सा एरिया है उसमें से वॉक कर रहे हैं। और जो फ्लावर्स हैं ना यहाँ के, माय गॉड इतने सुंदर लग रहे हैं, रियली अमेजिंग। वहाँ पे ना एक लकड़ी का एक ये किया है चौराहा, जहाँ के ऊपर जाके आप सेल्फी वगैरह खींच सकते हो। या अभी तो वहाँ पे रास्ता दिख रहा था, यहाँ पे तो दिख भी नहीं रहा है। ये जो है यह छोटा सा रास्ता है, फिर ये पूरा जंगल का पैच है ऐसे। तो हम इसको स्किप करेंगे, क्या बोलते हो? स्किप करते हैं गाइस। ये जो है ना दूसरा कैमरा है, इसमें ना थोड़ा सा बैटरी बचा था, मुझे लगा यही जुको वैली है, बट ये स्टार्टिंग पॉइंट है जुको वैली का। सो मैं आगे जाके फिर से वापस आता हूँ और फिर नीचे जाऊँगा। यहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने बताया कि यार ये तो जुको वैली का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे और आपको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, फिर 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो फिर मैं उसके बाद में आगे गया और एकदम लास्ट पॉइंट तक नहीं गया, बट जहाँ पे काफ़ी अच्छे से व्यूज़ थे वहाँ तक गया। और उसके बाद में फिर मैं वहाँ से रिटर्न निकला। लास्ट टाइम फिर से एक बार इको टेस्ट करते हैं। बाय ज़ुको, बाय बाय, लेट्स गो बैक नाउ। और आते समय है ना यहाँ पे बहुत अलग अलग पंछियों के आपको आवाज़ सुनने के लिए मिल रहे थे। ये पेड़ पे ना मुझे एक मस्त आवाज़ आ रहा था, बट ये आवाज़ मुझे समझ में नहीं आया कौन से बर्ड का है। आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट बट मुझे दिखाई नहीं। अगर आपको ये आवाज़ पहचान का है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर उसके बाद में मैं आया नीचे। हम आए इधर, ये नीचे जो बेसमेंट में एक होटल है, एग्जैक्ट विश्वेमा विलेज जो कमान है उसके बाजू में। यहाँ पे अभी थोड़ा पूरी भाजी वगैरह खाया और अभी हम निकलेंगे इम्फाल के लिए। सुबह जो है कैमरा वगैरह ऑफ हो गया था, इसीलिए मैं आते समय रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर पाया रोड का वगैरह। सो लेट्स गो टू द इम्फाल नाउ। सो ये था नागालैंड का ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, एडवेंचर। सो वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, एंड या प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। लाइक ज़रूर करना क्योंकि ये यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए हेल्प करता है। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना क्योंकि आगे वाला जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि मणिपुर का है। सो लेट्स सी हाउ मणिपुर पीपल ट्रीट अस। सो या टिल देन टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।